हे गाइस, तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर जो कि 2017 का है, एमपी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड में जो आया था लैब टेक्नीशियन पोस्ट के लिए। तो गाइस हम डायरेक्ट ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, यानी कि जो एमएलटी के क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। जो 25 जनरल क्वेश्चन आते हैं उन्हें हमने छोड़ दिया है, हम 1 to 75 क्वेश्चन जो कि ट्रेड रिलेटेड होते हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सारे लोग चाहें तो अपने कॉपी पेन लेके रख सकते हैं। तो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड एंटीकोगुलेंट इज। इनमें से कौन सा एंटीकोगुलेंट है जो कि लिक्विड है, वाइल जो होती है उसमें लिक्विड की तरह दिखता है। तो गाइस आप सबने देखा होगा कि सोडियम सिट्रेट जो एंटीकोगुलेंट है, जिसका पूरा नाम है ट्राई सोडियम सिट्रेट, वो एक लिक्विड एंटीकोगुलेंट है। तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मायोग्लोबिन इज ए ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन फाउंड इन। जो मायोग्लोबिन है वो कैसा है, ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन है। एक और क्या है, हीमोग्लोबिन भी ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन है। तो मायोग्लोबिन कहाँ पे पाया जाता है? ऑप्शन 1 हार्ट मसल, लिम्फेटिक फ्लूइड, लीवर या फिर प्लाज्मा। तो गाइस मायोग्लोबिन मतलब हार्ट मसल में पाया जाता है। ये मायो का मतलब ही बेसिकली मसल्स होता है, तो हार्ट मसल में आपका मायोग्लोबिन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रिजर्वेटिव यूज फॉर 24 आवर यूरिन कलेक्शन। 24 घंटे के लिए अगर हमें यूरिन कलेक्शन करना है, जो 24 आवर यूरिन कलेक्शन होता है, तो उसके लिए कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज होता है? गाइस इन तीनों को देखिए, बेसिकली ये काइंड ऑफ शुगर है, ये कॉन्सेंट्रेटेड HCl है, ये कॉन्सेंट्रेटेड HCl है। ये क्या करेगा, ये pH को डिक्रीज करेगा। आपको पता होना चाहिए कि pH कम होती है तो बैक्टीरिया बहुत कम ग्रो होते हैं। तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl एक्चुअली में प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज कॉन्सेंट्रेटेड HCl। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इसमें लिखा है डैश रिएजेंट यूज्ड फॉर ऑकल्ट ब्लड इज कार्सिनोजेनिक। उसने बताया कि एक ऐसा रिएजेंट है जो कि यूज होता है ऑकल्ट ब्लड टेस्ट के लिए। ऑकल्ट ब्लड, ऑकल्ट का मतलब होता है हिडन ब्लड होता है, उसे बोलते हैं हम ऑकल्ट ब्लड। तो वो यूरिन में भी कर सकते हैं, स्टूल में भी कर सकते हैं। तो उसका जो रिएजेंट है वो कार्सिनोजेनिक है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए क्या रिएजेंट है। तो बेंजिडिन इज अ रिएजेंट, ठीक है गाइस। तो ये कार्सिनोजेनिक भी होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज टेस्ट डन फॉर क्लॉटिंग टाइम इज कॉल्ड। क्लॉटिंग टाइम के लिए जो हम टेस्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? गाइस ये तीनों जो होते हैं ना, ये ब्लीडिंग टाइम के लिए होते हैं, BT ब्लीडिंग टाइम। और ओनली कैपिलरी ट्यूब मेथड इज CT क्लॉटिंग टाइम। आपने देखा होगा कैपिलरी को ब्रेक करते हैं, अगर फाइब्रिन थ्रेड बना होता है तो वो पूरी अलग अलग नहीं होती, बीच में थ्रेड से जुड़ी होती है। तो वही टेस्ट है ये। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है कैपिलरी ट्यूब मेथड। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है जो एजोस्पर्मिया रेफर्स टू। ये एक टर्म दिया है, ये सेमिन एग्जामिनेशन से है। तो एजोस्पर्मिया का मतलब क्या होता है कि एब्सेंस ऑफ स्पर्म इज नोन एज एजोस्पर्मिया। अगर स्पर्म की जगह पूरा सेमिन ही नहीं आ रहा है, मतलब सेमिन बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, यूजुअली 2 to 6 ml आता है, ठीक है, नॉर्मल में 6 ml आता है, बट आ ही नहीं रहा है, तो उसे हम बोलते हैं एस्पर्मिया, ठीक है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर तो ये वाला ही होगा, क्वेश्चन नंबर 2 एब्सेंस ऑफ स्पर्म। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग ब्लड बैंक से क्वेश्चन है। CPDA स्टैंड्स फॉर। CPDA में जो A है वो किस लिए स्टैंड होता है, मतलब उसका मतलब क्या होता है? एंड इट गिव्स बेटर प्रिजर्वेशन, और ये बेटर प्रिजर्वेशन के लिए काम आता है। तो गाइस CPDA का फुल फॉर्म पता हो तो मैंने लिख दिया है सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडेनिन। एडेनिन गाइस बेटर प्रिजर्वेशन कुछ नहीं, ATP फॉर्मेशन के लिए सबस्ट्रेट की तरह काम आता है, ठीक है। एडेनिन एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो उसका रॉ मटेरियल कह सकते हो आप इसे। एडसॉल गलत है यहाँ पे, एडेनिन करेक्ट है, एल्केलाइन बिल्कुल नहीं, एनहाइड्रस बिल्कुल नहीं। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज एडेनिन। ब्लड बैंक के ऊपर भी लेक्चर बन चुका है, जो ब्लड प्रोडक्ट्स होते हैं आप वो भी जाके देख सकते हैं, आई बटन में लिंक दे दूंगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि डैश मेथड इज यूज टू डेमोन्स्ट्रेट मोर्टेलिटी ऑफ बैक्टीरिया। इनमें से कौन सा मेथड है जो मोर्टेलिटी ऑफ बैक्टीरिया डिनोट करता है? तो इंडिया इंक, माइक्रोस्कोपी है गाइस, लैक्टोफेनल कोटल ब्लू फंगल की मॉर्फोलॉजी के लिए, लॉफलर बेसिलाई, लॉफलर सीरम स्लोप। तो ऑप्शन क्लियर है, बिल्कुल नहीं लगाएंगे। हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन इज अ मोर्टेलिटी मेथड। ठीक है गाइस, तो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर 4. नाउ क्वेश्चन नंबर 9, एंजाइम रिलेटेड टू हार्ट. हार्ट से रिलेटेड कौन सा एंजाइम है? पहले तो आप एलिमिनेशन लगाना सीखिए. एलिमिनेशन में क्या है, आपने देखा हो बायोकेमिस्ट्री में टेस्ट आते हैं, अमाइलेज और लाइपेज, ये सारे रिलेटेड होते हैं पेनक्रियाटाइटिस से. पेनक्रियास की कोई बीमारी है तो उससे रिलेटेड होंगे, तो ये तो हटा दो, हार्ट से रिलेटेड नहीं है. ये तो हमने एलिमिनेट कर दिए. अब बचे क्या, एलडीएच और एसिड फॉस्फेटेज. तो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज एलडीएच. तो ये आपका करेक्ट आंसर है. नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं. हीम पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ इन फेरस फॉर्म. फेरस का मतलब भी गाइस होता है आयरन से रिलेटेड, तो आयरन इज द करेक्ट आंसर हियर. क्वेश्चन नंबर 11, कोगुलेस टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर. कोगुलेस टेस्ट जो है इनमें से किसके लिए पॉजिटिव है? तो गाइस एस ऑरियस के लिए कोगुलेस टेस्ट. कैटलेज प्लस जो ये कोगुलेस टेस्ट है दोनों पॉजिटिव हैं. ठीक है, इसकी मैंने लैब डायग्नोसिस की वीडियो डाल दी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको सीख जाओगे. वो भी चैनल पे पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हैं. बाकी ये सारे कोगुलेस नेगेटिव होते हैं. ठीक है, नेगेटिव. क्वेश्चन नंबर 12, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन इज डिटरमाइंड बाई. स्पेसिफिक ग्रेविटी है जो यूरिन की, वो कैसे हम डिटरमाइन करते हैं, किससे डिटरमाइन करते हैं? तो पहले तो एलिमिनेशन मेथड पे आ जाते हैं हम अपना. एल्ब्यूमिनोमीटर, एल्ब्यूमिनोमीटर बेसिकली प्रोटीन है एल्ब्यूमिन, तो प्रोटीन के लिए एक हट गया. स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ये बेसिकली ओडी से रिलेटेड काम करता है, ओडी लेना, डेंसिटी मेजर करना, ऑप्टिकल डेंसिटी, है ना. उसके अलावा कैलोरीमीटर, कैलोरी बेसिकली यहाँ पे हीट से मतलब है, हीट मेजर करता है वेरियस काइंड ऑफ रिएक्शन में. ठीक है, लास्ट बचता है यूरिनोमीटर. तो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज यूरिनोमीटर. नाउ ये क्वेश्चन गाइस कैंसिल कर दिया था इन लोगों ने, बेसिकली इसके मार्क्स किसी को भी नहीं मिले थे. तो विच इज द स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी सीन इन ब्लड? ऑप्शन में था न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, मोनोसाइट एंड बेसोफिल. अगर हम यहाँ से देखें तो बेसोफिल तो इनका करेक्ट आंसर था और वही इनकी आंसर की में था, फिर भी इन्होंने कैंसिल कर दिया. तो वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि क्यों कैंसिल किया है, बट अभी के लिए बेसोफिल. और बाकी वैसे देखा जाए तो लिम्फोसाइट भी है, आरबीसी जितनी होती है ये. नाउ क्वेश्चन नंबर 14, न्यूक्लियर स्टेन इन पेपानिकोलाउ स्टेन. तो इस स्टेनिंग में न्यूक्लियर स्टेन क्या है, जो न्यूक्लियस को स्टेन करता है. मोस्ट ऑफ द जगह न्यूक्लियर स्टेन जो होता है ना वो हेमेटॉक्सिलिन हो. बाकी यहाँ पे प्रोसीजर तो है ही, तो यहाँ से आप देख सकते हैं हेमेटॉक्सिलिन है. ठीक है, तो ये मैंने आपको याद रखने के लिए मतलब स्क्रीनशॉट लगा दिया है. तो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर 1 हेमेटॉक्सिलिन. क्वेश्चन नंबर 15, ओके, विच थ्योरी स्टेट्स दैट ए सिंगल टीआरएनए कैन रिकॉग्नाइज मोर देन वन कोडॉन. तो गाइस करेक्ट आंसर फॉर दिस इज वोबल हाइपोथेसिस. ठीक है, डार्विन समथिंग सॉर्ट ऑफ इवोल्यूशन से काम करता है. इंड्यूस फीस एंजाइम से रिलेटेड है. वॉटसन एंड क्रिक डीएनए मॉलिक्यूल से रिलेटेड है. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज वोबल हाइपोथेसिस. क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करें तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है. AFB एसिड फास्ट बेसिलाइज स्टेनिंग इज ऑल्सो नोन एज ज़ील-नेंसेल स्टेनिंग. ज़ील-नेंसेल स्टेनिंग को भी. क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, अगर कंप्लीट सपरेशन हो रहा है ऑफ यूरिन का, कंप्लीट सपरेशन ऑफ यूरिन इज नोन एज, मतलब यूरिन बिल्कुल नहीं बन रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे एनोरिया, मतलब एब्सेंस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन. ठीक है, बिल्कुल नहीं आ रहा है यूरिन तो एनोरिया हो गया. अच्छा, ये एस्थेनोरिया का मतलब होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी से. हाइपो है तो लेस स्पेसिफिक ग्रेविटी, हाइपर है तो मोर स्पेसिफिक ग्रेविटी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, थायराइड ग्लैंड जो होती है क्या सिक्रेट करती है? तो थायराइड ग्लैंड सबको पता है T3 T4 सिक्रेट करती है. कंफ्यूजन के लिए TSH भी नहीं दिया है. FSH, SCG और LH वगैरह ये पिट्यूटरी वाले हार्मोन्स है. तो T3 इज करेक्ट आंसर हियर. क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं हम. पास स्टेन मतलब पारायोडिक एसिड शिफ्ट स्टेन इज यूज्ड फॉर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ. तो गाइस ऑप्शन देख लीजिए आप, लिपिड है, एसिड फॉस्फेटेज है, ग्लाइकोजन है और एमोइलॉइड है. एमोइलॉइड पता है क्या होता है? मिसफोल्डेड प्रोटीन होता है, मिसफोल्डेड प्रोटीन होता है. ठीक है, तो बेसिकली मैंने यहाँ पे लिखा मटेरियल पॉजिटिव पास रिएक्शन, इनमें से जो भी होगा वही आंसर होगा। तो ग्लाइकोजन हमें सबसे पहले दिख गया, तो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 इज नॉर्मल रेंज ऑफ टोटल बिलिरुबिन इज क्या है? 0.2 to 1 mg/dl होती है, mg परसेंटेज लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो यही इसका करेक्ट आंसर है, इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 हम देख लेते हैं। तो गाइस VDRL इज यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ टीबी के लिए क्या हम VDRL करते हैं? नहीं। डिप्थीरिया के लिए नहीं, निमोनिया के लिए नहीं, सिफिलिश के लिए हम VDRL टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 22 इसमें क्या स्टेटमेंट दे रखी है? पहला तो ब्लड को फ्लूइड स्टेट में रखता है, ठीक है। मेंटेन वाटर बैलेंस मेंटेन करता है, ठीक है। कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, ठीक है। और एंटीबॉडीज कंटेन करता है। ऑब्वियसली कोई भी सेल जो होगी वो थोड़ी एंटीबॉडी कैरी करती है, वो तो एंटीजन कैरी करती है। प्लाज्मा इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 हम डिस्कस करते हैं। द टाइप ऑफ प्रोटीन इन यूरिन ऑफ माइलोमा पेशेंट इज कॉल्ड, कौन सा प्रोटीन हम बोलते हैं जो माइलोमा पेशेंट के यूरिन्स में मिलता है? तो गाइस वो होता है बेंस जोन्स प्रोटीन, होता कुछ नहीं है। तो प्लाज्मा सेल बनाती है हमारा इम्यूनोग्लोबिन मतलब एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी की जो लाइट चेन होती है ना उसी को हम यूरिन के अंदर बेंस जोन्स प्रोटीन बोलते हैं। इसकी कुछ खास प्रॉपर्टी भी होती है, वो मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 हम बात करते हैं उसके, तो फिक्सेटिव यूज इन ल्यूशमैन स्टेन में कौन सा फिक्सेटिव यूज होता है? तो गाइस आपको याद होगा पेरिफेरल स्मीयर बनाते हैं तो हम फिक्स करते हैं एसीटोन फ्री मेथनॉल से। एसीटोन को एसीटोन फ्री क्यों? बेसिकली एसीटोन क्या करता है ना, मेम्ब्रेन्स होती है सेल की, उसको डैमेज कर देता है। तो इसलिए एसीटोन फ्री मेथनॉल इज यूज्ड एज फिक्सेटिव फॉर लीशमैन स्टेन। नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं हम। डैश इज एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेलिन कंटेनिंग फिक्सेटिव। तो गाइस सबसे पहले जिसमें ना फॉर्मल या फॉर्मेलिन दिख रहा है ना वो उठा लो, ठीक है। 10% फॉर्मल सलाइन, तो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज। तो जो फॉर्मेलिन कंटेनिंग फिक्सेटिव है ना वो 10% फॉर्मल सलाइन ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 अनएक्सपेक्टेड एंटीबॉडीज आर डिटेक्टेड बाय। तो गाइस आपको पता होगा इनडायरेक्ट कोम टेस्ट जो होता है ना उससे हम अनसस्पेक्टेड एंटीबॉडी डिटेक्ट करते हैं या फिर इनकम्प्लीट एंटीबॉडी डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 हम देखते हैं। विच इज द इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ मलेरियल पैरासाइट? मलेरियल पैरासाइट की इन्फेक्टिव फॉर्म क्या है? स्पोरोजॉइड्स है गाइस, स्पोरोजॉइड्स इज इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ मलेरियल पैरासाइट। लॉन्स्टीन-जेन्सन मीडिया इज यूज्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ, किसकी ग्रोथ के लिए हम लॉन्स्टीन-जेन्सन मीडिया या फिर एलजे मीडिया यूज करते हैं? तो सबको पता है गाइस टीबी के लिए हम करते हैं। तो एमटीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए हम लॉन्स्टीन-जेन्सन मीडिया का यूज करते हैं, हरे कलर का दिखता है थोड़ा थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 29 प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन ABD एंटीसीरा, मतलब NTA, NTB, NTD जो एंटीसीरा होता है जो ब्लड ग्रुपिंग के लिए हम यूज करते हैं उसमें कौन सा प्रिजर्वेटिव होता है? तो गाइस ये तीनों जो सोडियम वाले हैं ना वो गलत है, ठीक है। करेक्ट आंसर है सोडियम अजाइड। मैक्सिमम जो भी लिक्विड जो भी रिएजेंट्स होते हैं ना सोडियम अजाइड उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं हम। साइटोप्लाज्मिक स्टेन यूज इन H&E स्टेनिंग। तो गाइस देखो पहले तो न्यूक्लियर स्टेन होगा, तो न्यूक्लियर स्टेन हेमेटॉक्सिलिन होता है, पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। इओसिन वाला होगा साइटोटॉप, सो साइटोप्लाज्मिक स्टेन, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 ये थोड़ा ना मतलब स्मार्ट या ट्रिकी क्वेश्चन बोल सकते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। मतलब ये तो मैंने आपकी सहूलियत के लिए एग्जाम में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो डी एल्कोहलाइजेशन मीन मतलब रिमूवल ऑफ एल्कोहल क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि तो जो डिहाइड्रेशन प्रोसेस होता है ना टिश्यू प्रोसेसिंग का उसमें क्या होता है वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करना होता है, ठीक है। तो वो कौन करता है? एल्कोहल। तो बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल को हायर ग्रेड्स ऑफ एल्कोहल से रिमूव करते हैं, ठीक है। तो अब डिहाइड्रेशन के बाद आता है क्लियरिंग। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट इज रिप्लेस्ड बाय क्लियरिंग एजेंट। तो बेसिकली यही वाली स्टेप हो रही है ना डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है हमारा वो एल्कोहल है, ठीक है। अब एल्कोहल का रिमूवल क्या है हमारा, क्लियरिंग। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज क्लियरिंग। थोड़ा सा समझिए, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। एल इन एल ब्लॉक स्टैंड फॉर, हिस्टोलॉजी का क्वेश्चन है गाइस। इस तरह का शेप में होता है, ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो बीच में जगह होती है, वहां पे टिश्यू और आपका वो मोल्टेन पैराफिन वैक्स रहता है, तो इसे बोलते हैं हम ल्यूकार्ट्स ब्लॉक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33। डाइल्यूटिंग फ्लूइड गाइस हम यूज करते हैं आरबीसी काउंट, डब्ल्यूबीसी काउंट, प्लेटलेट काउंट के लिए। तो यहाँ पे हमें आरबीसी काउंट के लिए जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड होता है उसे बताना है। तो डेसी हाइम्स फ्लूइड जो होते हैं ना वो आरबीसी के लिए होता है, ठीक है। ये हो गए आरबीसी के लिए, ठीक है। अभी क्या है, टॉक्स फ्लूइड किसके लिए होता है, डब्ल्यूबीसी के लिए, ठीक है। अमोनियम एक्सलेट जनरली ऑक्सलेट प्लेटलेट्स के लिए भी हम करते हैं, ठीक है, प्लेटलेट्स के लिए भी करते हैं। हिंगलमैन्स एब्सोल्यूट एसिनोफिल काउंट, डंगर्स फ्लूइड भी करते कभी कभी, ठीक है। तो आप याद रख सकते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर 1 डेसी फ्लूइड। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, एग्जांपल ऑफ सुपरावाइटल स्टेनिंग। सुपरावाइटल स्टेनिंग इज ट्राइपेन ब्लू, गैबेट मिथाइलिन ब्लू, और पाल्स प्रोशियन ब्लू, या फिर न्यू मेथिलिन ब्लू। न्यू मेथिलिन ब्लू गाइस सुपरावाइटल स्टेन का एग्जांपल है, रेटिक्यूलोसाइट हम इसमें देखते हैं। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज न्यू मेथिलिन ब्लू। क्वेश्चन नंबर 35। ब्यूचेरिया वेनक्रॉफ्टी कॉजेस, तो नाम से ही पता चल रहा है गाइस, ठीक है। विचेरिया वेनक्रॉफ्टी अमीबियोसिस और टॉक्सोप्लाज्मोसिस या फिर एंटरोबियासिस नहीं कॉज करता है, ये कॉज करता है फिलियरेसिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36। इम्यूनोजेंस क्या होते हैं, जो कि इम्यूनो रिस्पॉन्स जनरेट करने के काबिल हों। तो जो कंप्लीट एंटीजन होंगे वही तो इम्यूनो रिस्पॉन्स जनरेट कर पाएंगे, इनकम्प्लीट को तो ट्रिगर करने के लिए कुछ चाहिए होगा। एलर्जन भी ऐसी होते हैं, एंटीबॉडीज भी ऐसी होती है, तो कंप्लीट एंटीजन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 गाइस, प्लेटलेट आर स्टोर्ड एट, किस टेम्परेचर पे प्लेटलेट्स को रखा जाता है। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज रूम टेम्परेचर पे, और वो भी एजिटेशन पे रखा जाता है, मतलब हिलता रहना चाहिए, अदरवाइज वो एक जगह क्लम्प हो जाएंगी सारी। तो इसके ऊपर भी वीडियो बन चुका है, आई बटन में मैं लिंक डाल दूंगा, मतलब जो भी ब्लड प्रोडक्ट है उससे काफी सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपके सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, किडनी फंक्शन टेस्ट इज, तो किडनी फंक्शन टेस्ट में क्या आता है, बिलिरुबिन को तो पहले हटा दो, ठीक है, एसजीओडी को भी हटा दो, एलिमिनेशन हो गया। अब एल्ब्यूमिन भी कहीं कहीं लैब में देखा जाता है, बट सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स जनरली जो होते हैं केएफटी में देखे जाते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सीरम इलेक्ट्रोलाइट। क्वेश्चन नंबर 39। गुडिंग एंड स्टीवर्ट फ्लूइड इज एग्जांपल ऑफ, तो वो डी कैल्सिफाइंग एजेंट है, ठीक है, गुडिंग एंड स्टीवर्ट फ्लूइड। तो एलाइजा का फुल फॉर्म बताना है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, तो जो भी है एंजाइम अनलिंक्ड गलत है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोग्लोबिन गलत है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41 हम डिस्कस करते हैं, एग्जांपल ऑफ ग्राम नेगेटिव कोकाई। अब गाइस यहाँ पे मैंने आपको एक सिंपल सी ट्रिक दे दी है कि जितने भी कोकाई होते हैं ना, जितने भी उठा लो सारे ग्राम पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट 3, पहला निजेरिया, मोरक्जेला या फिर वेलोनेला, ये 3 बस जो होते हैं ना वो ग्राम नेगेटिव होते हैं, ठीक है, बाकी सारे पॉजिटिव होते हैं। तो इनमें से जो मिल रहा है वहां पे चुन लो सिंपल से, बाकी सारे जो कोकस हैं वो सब पॉजिटिव है, मैंने बता ही दिया है, तो सॉर्टेड है ये क्वेश्चन, तो इजी है। आगे भी ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी पेन ले रखा है तो लिख लीजिए इस पॉइंट को। क्वेश्चन नंबर 42 इज जनरल टेस्ट फॉर प्रोटीन। प्रोटीन के लिए कौन सा टेस्ट होता है, बेंजिडिन मैंने बताया था कि ब्लड पिगमेंट के लिए होता है, ब्लड पिगमेंट के लिए, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन अलग टेस्ट है, बेनेडिक्ट शुगर के लिए होता है शुगर टेस्ट एक तरह से, ठीक है। बायूरेट टेस्ट जो होता है ना गाइस वो होता है प्रोटीन के लिए, प्रोटीन के लिए, ठीक है, बायूरेट टेस्ट जो होता है प्रोटीन के लिए होता है, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। एफएनएसी का फुल फॉर्म बताना है, पहला फायर गलत है, फाइनेटिल एस्पिरेशन केमिस्ट्री गलत है, फाइनेटिल एस्पिरेशन साइटोलॉजी ये सही है। क्वेश्चन नंबर 44 इज इंडिकेटर यूज्ड इन एंटीसीरा ए। एक्रीफ्लेविन हटा दो क्योंकि बी एंटीसीरा में होता है वो। ब्रोमोक्रेसोल ब्लू हटा दो, ठीक है। अब कंफ्यूजन है ट्राइपेन ब्लू और मेथिलिन ब्लू में क्योंकि दोनों ब्लू है और कहीं जगह पे मेथिलिन ब्लू बोलते हैं कि एंटीसीरा में वो होता है, बट ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर हियर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 45 डैश इज एन ऑस्ट्रेलिया एंटीजन भी बोलते हैं इसे हम, तो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन जो होता है ना वो ऑस्ट्रेलिया एंटीजन होता है। ऐसा क्यों? पहला जो केस था ना HBsAg का तो वो वहीं पे मिला था तो सबको लगा था कि ऑस्ट्रेलिया का ही है ये, तो ऑस्ट्रेलिया एंटीजन नाम रख दिया। फिर बाद में पता चला कि जिसको भी हेपेटाइटिस बी होता है ना सब में ये HBsAg पॉजिटिव आता है, तो वही क्वेश्चन बना दिया इन लोगों ने। अब क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। अ न्यूट्रल रेड इज यूज्ड एज इंडिकेटर इन। तो गाइस पहले हम ट्रिक अपनी समझ लेते हैं कि जो भी डिफरेंशियल मीडिया होता है ना उसी में इंडिकेटर डाई की जरूरत होती है यूजुअली। नॉर्मली जो भी डिफरेंशियल मीडिया होते हैं कल्चर मीडिया उन्हीं में हमें इंडिकेटर डाई की जरूरत पड़ती है। तो ब्लड अगार क्या एक डिफरेंशियल मीडिया है क्या? पहले तो ये इंड्यूस्ड मीडिया है प्लस ये डिफरेंशियल भी है, लेकिन डिफरेंशियल के लिए इसके पास रेड ब्लड सेल्स हैं जिसपे ये हीमोलाइसिस पैटर्न दिखाता है, तो इसे तो हटा सकते हैं। चॉकलेट अगार इंड्यूस्ड मीडिया है, सबर और डेक्सट्रोज अगार फंगस के लिए सिलेक्टिव मीडिया है। तो एक ही डिफरेंशियल मीडिया है जो कि LFR एंड NLF मतलब लैक्टोज फर्मेंटिंग एंड लैक्टोज नॉन फर्मेंटिंग को डिफरेंशिएट करता है, तो वो है मैकोंग की अगार। अब इसका निमोनिक भी आपको पता होगा, प्लांट करके निमोनिक होता है, गूगल पे सर्च कर लीजिए। तो बस वहीं से न्यूट्रल रेड इज करेक्ट आंसर। आयर स्पैचुला इज यूज्ड टू ऑब्टेन सैंपल फ्रॉम। तो आयर स्पैचुला जो होता है ना गाइस सर्वाइकल साइटोलॉजी में यूज होता है, तो सर्विक्स इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें मेथड ऑफ शार्पनिंग ऑफ नाइफ। दो टर्म होते हैं शार्पनिंग और पॉलिशिंग, जो शार्पनिंग के लिए होता है वो होनिंग होता है, तो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ये। स्ट्रोपिंग किस लिए होता है गाइस? पॉलिशिंग के लिए, मतलब जो फिनिश आता है ना वो उससे आता है स्ट्रोपिंग, ठीक है, पॉलिशिंग के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 49 फटाफट से डिस्कस करते हैं। मॉन्टॉक्स टेस्ट इज स्किन टेस्ट यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग ऑफ, किसके लिए? ट्यूबरकुलोसिस के लिए। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, तो लेप्रोसी के लिए एक अलग टेस्ट होता है गाइस, लेप्रोमिन टेस्ट करके होता है, लेप्रोमिन टेस्ट। अगर उसी के कंटेक्स्ट में देखना है तो ये टेस्ट होता है, इसका आंसर है ट्यूबरकुलोसिस। 50 का गाइस डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्यून मीडिएटेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। इनमें से ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन मतलब ब्लड चढ़ाते हैं उसके बाद अगर कुछ गड़बड़ रिएक्शन होती है पेशेंट के अंदर तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। तो इनमें से कौन सी इम्यून मीडिएटेड है? तो ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज है ना गाइस वो इम्यून मीडिएटेड है, बाकी सब तो आयरन बढ़ गया या ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया चढ़ाने के बाद उन सब से रिलेटेड है। बैक्टीरियल कंटामिनेशन ब्लड में है तो फीवर आ जाता है। नो क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। LIS स्टैंड फॉर, LISS स्टैंड फॉर, तो इसका आंसर क्या होता है गाइस? लो आयनिक स्ट्रेंथ सॉल्यूशन। ये बेसिकली एक तरह का एनहेंसमेंट मीडिया है जो कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को बढ़ाता है इन ब्लड बैंक। क्वेश्चन नंबर 52 रिएजेंट यूज्ड फॉर फ्लोटेशन मेथड ऑफ स्टूल इज डैश। तो सलाइन नहीं, फॉर्मल्डिहाइड बिल्कुल नहीं, ईथर बिल्कुल नहीं, जिंक सल्फेट फ्लोटेशन मेथड जो मेथड है तो उसमें जिंक सल्फेट रिएजेंट यूज होता है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर है जो वो गाइस है ऑप्शन नंबर 4। ना क्वेश्चन नंबर 53 हम देख लेते हैं कि इनमें से कौन सी थाइबोन है? डैश इज अ थाइबोन। थाइबोन सबको पता है गाइस फीमर होती है, लार्जेस्ट बोन भी है। क्वेश्चन नंबर 54 आयरन स्टोर्स आर रिड्यूस्ड इन। अब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन कि आयरन स्टोर किस में कम होते हैं? तो यहाँ पे ट्रिक ये है कि आयरन स्टोर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में कम होगा। और अगर आपको मालूम है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है इज अ काइंड ऑफ माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, तो आप सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 55 इज साइट फॉर सीएसएफ कलेक्शन इन अडल्ट इज L3 to L4 होता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56 इज बफी कोट इज यूज्ड फॉर, बफी कोट इनमें से किसकी प्रिपरेशन के लिए यूज होता है? तो गाइस एलई सेल आप देख पा रहे हो, एलई सेल, एलई सेल इज काइंड ऑफ एबनॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी कहाँ होती है? डब्ल्यूबीसी कहाँ होती है? सपोज एक ट्यूब है, ठीक है, तो नीचे तो रेड ब्लड सेल होगा, नीचे होगा आरबीसी, ऊपर होगा प्लाज्मा। ठीक है, अब अगर डब्ल्यूबीसी है ही तो वो बफी कोट में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वही चीज है, यहाँ पे एलई सेल की प्रिपरेशन के लिए हम बफी कोट यूज करते हैं। ठीक है, बाकी अदर आर नॉन रेलेवेंट ऑप्शन, नॉन रेलेवेंट ऑप्शंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम की विच फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम आर जनरली अब्सेंट इन पीएफ पीबीएफ। तो जो पेरिफेरल स्मीयर होता है, हम स्मीयर बनाते हैं, उसमें पी फैल्सिफेरम मतलब प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम की कौन सी फॉर्म हमें नहीं मिलती है? तो गाइस रिंग फॉर्म हमें मिलती है, क्रेसेंट एंड ट्राइफोसॉइड में मिलती है, साइजोन फॉर्म हमें देखने को नहीं मिलती। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें, नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज, तो नॉर्मल बीपी कितना होता है गाइस? बीपी करेक्ट फटाफट से 120/80 होता है ना, mm ऑफ hg होता है, mm ऑफ hg। ठीक है, तो पहला वाला उठा लो, पहला वाला इज ये रहा। ठीक है, नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इज 120 mm ऑफ hg। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें तो द प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग ऑफ सम बैक्टीरिया इज, तो प्रोटेक्टिव कवरिंग सम बैक्टीरिया की क्या होता है? कैप्सूल होता है गाइस। डेफिनेशन से आपको समझ आ जाएगा कैप्सूल की बात कर रहा है। आउटर लेयर, ग्रेन्यूल्स, इंक्लूजन, ये सब अंदर होगा गाइस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 विडाल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इज एन क्या? एग्लूटिनेशन रिएक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं, येलो कलर ऑफ सीएसएफ इज ड्यू टू जेंथोक्रोमिया। जेंथो का मतलब ही होता है येलोइश। ठीक है, हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब कम, नॉर्मल मतलब नॉर्मल। क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। गैस गैंग्रीन इज कॉज्ड बाय, मतलब गैस गैंग्रीन होता है वो क्या कॉज करता है? बेसिकली क्या चीज, मतलब इनमें से कौन सा बैक्टीरिया गैस गैंग्रीन को कॉज करता है? तो ये लोग बड़े स्मार्ट हैं, इन्होंने जो मोस्ट कॉमन कॉज है ना, मोस्ट कॉमन कॉज है क्लॉस्ट्रीडियम परफिंजस, उसको ऑप्शन में नहीं डाला, टेटनी को डाल दिया, तो उसे तो हम हटा देते हैं। ठीक है, अभी बचा वेलोनेल और गोनोरिया, इन दोनों का लेना देना है नहीं, तो सेप्टिकम, ये क्लॉस्ट्रीडियम सेप्टिकम है ना जो, वो सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज है, मोस्ट कॉमन है बट सेकेंड मोस्ट कॉमन। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर 2 क्लॉस्ट्रीडियम सेप्टिकम। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा टफ लेवल का है या फिर मीडियम लेवल का बोल सकते हैं, क्योंकि मोस्ट कॉमन नहीं पूछा, सेकंड मोस्ट कॉमन पूछा है, तो थोड़ा पढ़ा होगा सही से तभी बता पाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज इज, तो ग्लूकोज का वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट है। ठीक है, 64 की बात करें, विच कैन क्रॉस द प्लेसेंटा। ठीक है, तो प्लेसेंटा एक ही क्रॉस कर पाती है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी टाइप, ठीक, IgG। क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं, डैश इज अ कीटोन बॉडी, इनमें से कौन सी कीटोन बॉडी है? यूरिया, क्रेटेनिन, यूरिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड इज अ कीटोन बॉडी। इसके अलावा कौन सी होती है? एक एसीटोन होती है, एक एसिटो एसिटिक एसिड होती है, ठीक है, या फिर एसिटो एसिटेट होती है। क्वेश्चन नंबर 66 को देखते हैं हम, स्टैंडर्ड मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इज, कौन सा है? Cyanameth hemoglobin method is most standard and accurate as well. तो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सी। हीमोक्यूब ब्लड बैंक में यूज होता है, कॉपर सल्फेट कहीं कहीं पे ओपीडी में यूज होता है, बाकी ऑप्शन 2 इज करेक्ट हियर। नो, क्वेश्चन नंबर 67 हम देख लेते हैं। तो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन मेल, मतलब ह्यूमंस में जो या फिर आदमी में जो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल होती है उसे हम बोलते हैं साइजोकॉनी। और जो मच्छर में होती है या फिर मॉस्किटो में होती है उसे स्पोर फॉर्मेशन होता है, तो स्पोरोगनी बोल सकते हैं उसे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 68, एंटीकोगुलेंट डेट चिलेट्स कैल्शियम। तो सिंपली आपको देखना है कि कौन सा कैल्शियम, कौन सा जो एंटीकोगुलेंट है वो कैल्शियम को बाइंड कर लेता है या चिलेट कर लेता है। तो EDTA इसके ऊपर वीडियो बना रखा है, आई बटन में यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा ऊपर यहाँ पे, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो फ्लोराइड तो एक एंटीकोगुलेंट है ही नहीं गाइस, उसमें जो पोटेशियम ऑक्जेलेट होता है वो एज एंटीकोगुलेंट काम करता है फ्लोराइड वाइल में, जो कि शुगर के लिए हम यूज करते हैं। फॉस्फेट बेसिकली बफरिंग का एक्शन का काम आता है। हेपेरिन क्या है, एंटी थ्रोमिन वाला सीन है उसका। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। ना सिकलिंग टेस्ट इज डन फॉर, नाम से देख लो सिकल सेल एनीमिया। तो ऐसे ऑप्शंस तो मतलब सेकेंड्स में हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। और क्वेश्चन नंबर 70 इज वो इन्वेंटेड बॉम्बे ब्लड ग्रुप। गाइस इन्वेंटेड तो कोई नहीं करता, डिस्कवर करता है हर कोई, ठीक है। तो इन्होंने पता नहीं कैसे टर्मिनोलॉजी लिखा है। तो डिस्कवरर बेसिकली RR बहने ने इसको डिस्क्राइब किया था, ठीक है। लैंस्टीनर वगैरह में ABORH किया था। कूम्स ने कूम्स टेस्ट, रॉबर्ट कोच ने माइक्रोबायोलॉजी की बहुत सारी खोजें की थी, बट उनमें से बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो है वो एक नहीं है। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर हियर। नाउ 71 नंबर क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है, बट इन्होंने कैंसिल किया था क्योंकि क्वेश्चन नंबर 73 में मल्टीपल ऑप्शंस आर करेक्ट। इनमें से इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेसेस कैप्सूल। तो गाइस कोलंग रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोना पॉपुलर है, मतलब इसके पास कैप्सूल होता है, पॉलीसेकेराइड कैप्सूल। ऑरियस में भी कभी कभी होता है, ठीक है। गोनोरिया में भी कभी कभी होता है। बैसिलस एंथ्रेसिस में भी होता है, बट इसमें थोड़ा डिफरेंट होता है, वो होता है पॉलीगामा डी ग्लूटामिक एसिड वाला कैप्सूल होता है। ऑलवेज रिमेम्बर गाइस कि कैप्सूल जो है ना सब में पॉलीसेक्राइड टाइप का होता है, पॉलीसेक्राइडिक कैप्सूल होता है। बस बैसिलस एंथ्रेसिस में पॉलीपेप्टाइड होता है, मतलब ये वाला होता है, तो ये भी कैंसिल करना था क्योंकि मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट थे। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। चाइनीज लेटर अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, मतलब बैक्टीरियल सेल्स में चाइनीज लेटर अरेंजमेंट होती है, तो किस में होगा चाइनीज लेटर अरेंजमेंट? कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थेरी। तो कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थेरी इज करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73, वॉल्यूम ऑफ एंटीकोगुलेंट इन 350 ब्लड बैग, 350 ml का जो ब्लड बैग होता है उसमें कितना एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है? तो इसका सिंपल सा ट्रिक है गाइस, 100 ml अगर ब्लड है ना हमारा, 100 ml, तो उसमें 14 ml हमारा एंटीकोगुलेंट होता है। कौन सा वाला होता है गाइस? CPDA होता है, ठीक है। इसके ऊपर वीडियो बन चुका है, आई बटन में लिंक मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ये सारे पॉइंट आपके वहां से क्लियर हो जाएंगे। बट 14 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करो, बेसिकली आप कैलकुलेट कर सकते हो, 100 ml में 14 है तो 350 ml में कितना होगा आपको पता चल जाएगा। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 49 ml। आप करके देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, कास्ट सीन इन यूरिन इज, तो कास्ट गाइस पहले तो ये कैल्शियम ऑक्सलेट, ल्यूसिन एंड टायरोसिन ये सब क्रिस्टल्स फॉर्म करते हैं, क्रिस्टल, ठीक है। ये वैक्सी जो होती है ना वो होती है कास्ट। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें तो हे सल्फर टेस्ट इज बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ लोवरिंग डैश ऑफ बाइल साल्ट। क्या हे सल्फर टेस्ट की प्रिंसिपल की बात कर रही है? तो आप देख लो यहाँ पे, मैंने यहाँ पे थोड़ा थ्योरी, प्रिंसिपल क्या है बेसिकली, बाइल साल्ट क्या करते हैं, लोअर करते हैं सरफेस टेंशन ऑफ यूरिन एंड अलाउ सल्फर पार्टिकल टू सिंक, मतलब डूब जाता है सल्फर। तो यहाँ पे क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ लोवरिंग, मतलब लोअर किसे कर रहा है, सरफेस टेंशन को कर रहा है। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो गाइस यहाँ पे हमने 1 to 75 नंबर क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। आपका पेपर कैसा गया? तो मैं यहाँ पे ग्रेडिंग बता दूं आपको, ग्रेड्स, ठीक है, कैसे आपको आपको नंबर देने हैं। अगर आपका गया है तो 70 में से आपने करे हैं 50+ कर दिए हैं तो मतलब आपका गुड रहा है। अगर आपने 40+ करे हैं तो आपका सेटिस्फाई मतलब करने वाला रहा है, सेटिस्फैक्ट्री रहा है, ठीक है। अगर आपके 30+ रहे हैं तो आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी प्रिपरेशन किसकी, MPPEB की, ठीक है गाइस। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मिलेगा आपको।